हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल जीएस स्टडी 94 में। और दोस्तों मैं यश। जी हाँ दोस्तों, कभी कभार विलंब हो जाता है, किन्हीं कारणों से वीडियो अपलोड नहीं कर पाता हूँ, उसके लिए क्षमा। तो दोस्तों चलते हैं आगे, जैसा कि कुछ वाक्यों की तरफ हम चलते हैं, दैनिक उसका अध्ययन करते हैं जो कहीं ना कहीं हमें आंतरिक रूप से मोटिवेट करते हैं। तो ये देखिए कितनी बढ़िया बात लिखी गई है, माता पिता ईश्वर का साक्षात स्वरूप है। जी हाँ दोस्तों, कुछ लोग हैं मंदिर मस्जिद पत्थर समुंदर नदी कहाँ कहाँ जाके दस धाम पूरा करके चले आ रहे हैं, जाने के लोग मक्का चले जा रहे हैं, लोग अमरनाथ चले जा रहे हैं, तमाम तरह की जितने भी आस्था का प्रतीक है जो स्थान वहाँ पर लोग जाते हैं। पर अपने ही परिवार में किस प्रकार से जो माँ बाप हैं उन्हें उपेक्षा की नज़रों से देखते हैं, या फिर उन्हें वो मान मर्यादा नहीं देते, वो सम्मान नहीं देते हैं। कहने का मतलब है जो आपके माता पिता हैं वही ईश्वर के साक्षात रूप हैं। अगर देखा जाए जो आपके सामने हैं उनकी तो आप सेवा करते नहीं हैं और जाके चाटू पांटू धाम कर रहे हैं। याद रखिएगा, कभी भी कोई भी समस्या अगर आपके ऊपर आती है तो पहले वही आपके माँ और बाप आपको आपके ऊपर एक तरह से कहें तो ढाल के रूप में आ जाते हैं। जितनी भी आपकी समस्याएँ होती हैं वो उनकी समस्याएँ हो जाती हैं। तो ये साक्षात ईश्वर के स्वरूप हैं, इनको आप समझें, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं न्याय की बात। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, अपना पदभार ग्रहण करते हुए मंत्री रविशंकर प्रसाद ने अपनी यह पुरानी प्रतिबद्धता एक बार फिर दोहराई कि न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामले में उनके मंत्रालय की भूमिका सीमित नहीं रहेगी। क्योंकि बार बार ये जो जिस प्रकार से सवाल उठाए जा रहे हैं पिछले दो दशक से कि जो न्यायाधीशों की जो नियुक्ति होती है वो कोलेजियम व्यवस्था के तहत क्यों नहीं हो पा रही है। क्योंकि दोस्तों जब हम बात करते हैं लोकतंत्र जैसे देश में हैं, अगर न्यायाधीशों की नियुक्ति न्यायाधीश ही करेंगे और किसी भी सरकार की उसमें किसी प्रकार की निष्पक्षता नहीं होगी, दखलंदाजी नहीं होगी, तो चीज़ें सही नहीं होंगी। क्योंकि आपको पता है दोस्तों, ये ऐसे संवैधानिक संस्था है जो आए दिन कहीं ना कहीं एक तरह से नहीं है डेमोक्रेसी का हमारे गला घोट रहे हैं। किस प्रकार से आए दिन न्यायाधीशों के ऊपर जिस प्रकार के आरोप लग रहे हैं, तो उससे यही मालूम होता है कि दोस्तों अब हमें ज़रूरत है कि सरकार ये तय करे या फिर सरकार की भी स्वीकृति लेनी चाहिए कि किसे न्यायाधीश बनाया जाए किसे नहीं बनाया जाए। नहीं तो आने वाले समय में दोस्तों एक तरह से यह लोकतंत्र की हत्या ही होगी, ठीक है। क्योंकि जिस प्रकार से न्यायाधीशों के बीच में नकारात्मकता आ रही है, भाई भतीजावाद चल रहा है, वो अपने परिवार के लोगों को उस पद पे बैठा दे रहे हैं तो कोई अपने भतीजे को बैठा दे रहा है, कोई अपने बेटे को बैठा दे रहा है। ये वंशवाद की जो प्रक्रिया चल रही है हमारे न्यायालय में दोस्तों, ये बहुत ही गंभीर विषय है। इस पे आपको महसूस करना होगा और चिंतन मनन करना होगा कि ये बहुत ही गंभीर विषय है। और जैसा कि आपको पता है, इस बार इनको जो आईटी सेक्टर भी रविशंकर जी को मिला है, तो उसमें भी इन्हें के सामने कई सारी समस्याएं हैं, जो साइबर सेल से जो समस्याएं जुड़ी हुई हैं। किस प्रकार से आजकल एक नहीं है, एक वाइट कह सकते हैं जो चोर हैं, अब पहले जैसी चोरियां नहीं रह गई कि दोस्तों किसी के घर में सोना बर्तन लूटना है उसकी पहले दीवार काटो सुरंग बनाओ। अब चीज़ें ये आ गई कि आप अमेरिका बैठे रहें, स्विट्ज़रलैंड बैठे रहें, यहीं से आईटी इतना डेवलप हो चुका है नेटवर्किंग सिस्टम कि आपके अकाउंट का अगर हम एक एक पैसा चाहें तो निकाल लें कुछ इन्फॉर्मेशन के बल पे। तो ऐसे लोग हैं जो कई बड़े बड़े कामों को अंजाम दिए हैं, जिससे कई देश की संचार जो प्रणाली है तबाह हो गई है। और तमाम आप सुनते होंगे कई तमाम तरह के मुद्दे आते रहते हैं कि नहीं सर, हमारे देश में इस समय ये गंभीर समस्या है, किस प्रकार से हैक के माध्यम से जो भी गोपनीय दस्तावेज होते हैं किसी दूसरी कंपनी के चुरा लेते हैं और फिर उन्हें एक तरह से कह सकते हैं फरोख्त का काम करते हैं, कितना दो तब देंगे उतना दो तब देंगे। तो ये बहुत ही गंभीर समस्या है। ये थोड़ा देख लीजिए बेरोजगारी की समस्या। जी हाँ दोस्तों, देश में सर्वे हुआ है तो उसमें कहा गया है कि प्रयागराज, जिसका पुराना नाम था इलाहाबाद, वो उत्तर प्रदेश का जो प्रयागराज है जहाँ पे बच्चे सिविल की तैयारी करते हैं, एक बड़े कंपटीशन हब कह सकते हैं आप प्रतियोगी परीक्षाओं का,
वहाँ पे दोस्तों नंबर वन शीर्ष पे प्रयागराज है, जहाँ पे बेरोजगार बच्चे हैं, सोचिए। तो ऐसे में सरकार के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि रोजगार के अवसरों को तलाशें। ये सच्चाई कि हम प्रत्येक व्यक्ति को सरकारी नौकरी नहीं दे सकते, पर देखा जाए तो अगर हम प्राइवेट सेक्टर को उस लायक बनाएं और उस तरह के पैसे दें जो भी कैंडिडेट हों, तो चीज़ों में सुधार हो सकता है। क्योंकि जिस प्रकार से प्राइवेट अपनी मनमानी कर रहे हैं, 10,000 12,000 रुपये बच्चों को रख रही, तो ऐसे में किसी का गुजारा चलना संभव है आपको लगता है? तो उन्हें भी सख्ती से निर्देश देना चाहिए कि जो कंपनियां दोस्तों खुलती हैं ना, वो किसी भी देश के हित के लिए, किसी भी राज्य के हित के लिए, एक तरह से कहें तो देश में उनका बहुत बड़ा योगदान रहता है। पर आजकल ये लोग भी अपने व्यक्तिगत लाभ को पाने के लिए किस प्रकार से जो एम्प्लॉय हैं उनका शोषण कर रहे हैं, और शोषण इतनी बुरी तरह कर रहे हैं कि आप सोच नहीं सकते। कुछ जगह तो 7,000 रुपये दे रहे हैं जो फ्रेशर हैं, 7,000 में वो बंदा रूम लेके रहेगा, खाएगा क्या, और जो भी जिम्मेदारियां उसका निर्वहन कैसे करेगा। लखनऊ आपका 9वें नंबर पे है कि लखनऊ को इतना अच्छा हब माना जाता है नौकरी पेशाओं का, तो ये बहुत ही बड़ी समस्या है। हमें इस पे आत्ममंथन करना पड़ेगा, और अगर इस बार पूर्ण बहुमत के साथ अगर हमारे देश में बीजेपी की सरकार आई है, तो ये आपकी जिम्मेदारी है सर। इसे आप उम्दा से उम्दा बनाइए, और जब तक आप बेरोजगारी जैसी समस्याओं को ख़त्म नहीं करेंगे, कोई भी देश विकास नहीं कर पाएगा। अब आते हैं, कांग्रेस को भारी पड़ी उसकी भाषा। जी हाँ दोस्तों, ये तो आप मान के चलिए, अगर आज कांग्रेस की ये स्थिति है, तो सबसे बड़ी जो बात है उसका विरोध करने का जो तरीका है। देखिए, विरोध कई माध्यम से किया जा सकता है। आप जो रूलिंग पार्टी है, जो सत्ता पक्ष की पार्टी है, उसका मूल्यांकन करिए। मूल्यांकन के आधार पे कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, उसका सही और गलत दोनों पक्ष होता है। तो आप लोगों से पता है कि कौन सा पक्ष सही है, कौन सा गलत है, ठीक है, उसके आधार पे आपका मूल्यांकन किया जाएगा। और आप जो विरोध की राजनीति करते हैं, विरोध की राजनीति ये नहीं होती कि बस आप जो इतना बड़ा संवैधानिक पद है नरेंद्र मोदी जी जिस पे बैठे हैं, आप उन्हें चोर कहें, अमर्यादित भाषाओं का प्रयोग करके गाली दें, नीच कहें। याद होगा आपको, जब कुछ दिन पहले जिस प्रकार से सोनिया गांधी, जो कांग्रेस की उस समय अध्यक्ष मानी जाती थी, किस प्रकार से उन्होंने उनको कह दिया था ये तो मौत के सौदागर हैं। तो इन प्रकार के शब्दों का प्रयोग करके आप किसी के भी राजनीतिक जीवन को अस्थिर नहीं बना सकती, बल्कि आप उन्हीं के समान हैं जो एक तो कीचड़ के बगल में खड़े हैं और वहीं पे वो कंकड़ मार रहे हैं, तो आप ही गंदे होंगे, ठीक है। तो इन तरह की जो चीज़ें हैं कांग्रेस में चल रही हैं, उठापटक चल रही हैं, इस पे विचार मंथन करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। जब तक आप इस पे विचार विमर्श नहीं करेंगे, तब तक आपकी यही स्थिति रहेगी, और इसके जिम्मेदार भी आप ही होंगे। आप सोच सकते हैं, मतलब पूरी दुनिया मिसाल देती है कि किस प्रकार से एक मध्यम वर्गीय परिवार, एक गरीब तबके का बेटा प्रधानमंत्री बना। ये तो अपने आप में एक मोटिवेशनल है, बच्चों को प्रेरित करेगा कुछ सीखने के लिए। किस प्रकार उन्होंने कहा कि हमारे परिवार की आर्थिक स्थिति सही नहीं होने के कारण, किस प्रकार से मैं रेलवे स्टेशन के पास जाके चाय बेचा करता था, कुछ पैसे पाकर फिर अपने परिवार का भरण पोषण या परिवार में एक वित्तीय योगदान देता था। पर ऐसे में दोस्तों, उसमें भी ये नहीं छोड़ा गया मोदी जी को, उसमें भी कहा गया हाँ ये चाय बेचता था, ये करता था, गुमराह कर रहा है। आज इनकी ये स्थिति है, इतनी बुरी तरह पराजय होने के बाद भी जो लुटियंस जो क्षेत्र है, जिस जहाँ पे नेहरू गांधी परिवार इस समय रह रहा है, ठीक है, ये छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। जैसे क्या है कि ये इनके बाप की बपौती तो नहीं है, जब आपका कार्यकाल खत्म हो गया तो जो भी आपको आवास मिलता है सरकार के द्वारा, उसे आपको छोड़ना चाहिए, ठीक है, संविधान के हिसाब से। पर ये लोग आज भी पिछले कई साल से वहीं पे वहीं बसे हैं, मतलब उस बंगले के लोग खाली नहीं कर रहे हैं। तो बहुत बड़ी विडंबना है कि आप लोग संवैधानिक जो संपत्तियां हैं, जो सरकारी, उनका लोग आप इतनी बुरी तरह से शोषण कर रहे हैं कि
पूछिए मत। और कोई अगर गरीब तबका किसी सरकारी ज़मीन पे एक तो गुमती खड़ा करके पान पराग की दुकान कर लिया बेचारा, किसी प्रकार से अपने परिवार को चला रहा है, तो आप आएंगे एक दिन किसी के माध्यम से बुलडोजर से उठवा के फेंक देंगे? ये तक नहीं आप देखते हैं कि कम से कम उसे समय दे दिया जाए वहीं खड़ा होकर कि बेटा अपना जो है सामान निकाल ले बाहर, इतना तक कोई समय नहीं देता। किस प्रकार से मतलब अमानवीयता तरीके से तोड़ा जाता है, मारा जाता है, जैसे लगता है कि ये पाकिस्तान के लोग आके यहाँ बसे हों या फिर इनका कोई ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई इस्लामिक संगठन बनाया गया हो देश के अहित में। सोचिए इस प्रकार की घटनाएं होती हैं हमारे देश में। और जब तक आप जितने भी विपक्ष की पार्टियां हैं, अगर आपको ऊपर आना है तो सबसे पहले आप शिष्टाचार लाइए, अंदर आचरण लाइए, और जो विरोध का एक तरह से जो स्वर होता है, जो तरीका होता है, उसे सही तरह से अपनाएं। अगर इसी तरह के भाषाओं का आप प्रयोग करेंगे तो मुझे उम्मीद है कि एक दिन आप यहाँ से भी ख़त्म हो जाएंगे। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।